दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर्स गुरु। आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि मैरिज एसिस्टेंस फार्म जो हमने भरा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो वो क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। मैरिज एसिस्टेंस फार्म जिसके अंडर आपको 50,000 रुपीज़ तक की एक बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्म है। लेकिन इसका एक वैलिड टाइम पीरियड होता है 30 डेज़ के अंडर आपने ये स्कीम से बेनिफिट लेना है बिफोर मैरिज। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपने करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है एंड तक ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल सके। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में एंड तक और जानें कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें एक मेल आई है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके इस फार्म में क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। तो वो कैसे पता चलेगा, एक मेल को आप दिखाते हैं आपको खोलकर मेल, जिस मेल में ये लिखा हुआ है कि आपको क्वेश्चन करना है अपने फार्म में। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू एडिट यूर मैरिज असिस्टेंस स्कीम एप्लीकेशन विद रेफरेंस नंबर दिस डेटेड दिस। तो ये रेफरेंस नंबर वहाँ से आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें लिखा जा रहा है कि आपको एडिट करना है अपना फार्म ताकि ये सक्सेसफुली सबमिट हो सके और फिर जाके हमें उसका बेनिफिट मिल सके। तो बहुत से हमारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम आई होगी पहले भी, तो लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह से क्वेश्चन करें। तो इसलिए हमने आपको पहले से ये वीडियो बनाकर दिखाया कि इसमें सबसे पहले क्या है कि हमें मेल आएगी, इस मेल को देखकर हमने अब साइट की तरफ आना है, ये मेल भी यूज़ हो जाएगी। देखिए हमने साइट पर आना है, जो साइट का नाम देखिए ये जन सुगम साइट का नाम है, हमने जन सुगम लिखना है इस पर, जन सुगम हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखकर आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस लिंक पर, डायरेक्ट किए जाएंगे हम साइट की तरफ। तो साइट पर हमने जब आएंगे तो देखिए ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है रजिस्टर लॉगिन का, तो हमने लॉगिन पर क्लिक करना है ताकि हम लॉगिन हो सकें इस पेज पर। देखिए लॉगिन हम हो रहे हैं, देखिए जन परिचय का ये पेज खुल रहा है। देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन है, यूज़र नेम, मोबाइल और अदर्स। हमने मोबाइल नंबर ये यहाँ पर एक मतलब कि आपने ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर एंटर कर, यूज़र नेम तो एक अलग से है, उसमें हम यूज़र नेम भी डाल सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम हमने ट्राई किया बहुत बार, हम करते थे पहले, लेकिन यूज़र नेम से ये क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए मोबाइल नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड डाल के हमने अपनी कंसेंट देनी नीचे और फिर सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो हम आगे यहाँ इस पेज पर डायरेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर हमने जम्मू J&K UT पर हमने देखिए यहाँ J&K UT सर्विसेज पर आएंगे। इधर आगे हमें ये लिंक बताया जा रहा है सर्विस प्लस का, जन सुगम का, तो इस पर एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। सारा वीडियो आपने आराम से देखना है, हम इस वीडियो को थोड़ा तेज़ बना रहे हैं। देखिए व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट ट्रैक एप्लीकेंट स्टेटस पर हमने क्लिक करना है नीचे, इस पर जब क्लिक करेंगे तो अब हमने वापस ईमेल पर आना है, और ईमेल पर वापस आकर हमने इस जो रेफरेंस नंबर जो दिया गया है यहाँ पर, इसको हमने पूरा कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके वापस आना है और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और गेट डाटा पर क्लिक करना है नीचे। जब हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है करंट स्टेटस वेटिंग फॉर एप्लीकेंट्स रेस्पॉन्स, मीन्स कि आपने एडिट करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे, इस पर हमने क्लिक करना है, यहाँ पर वेटिंग फॉर एप्लीकेंट्स रेस्पॉन्स पर क्लिक करना है, तो हमें इधर से डायरेक्ट किया जाएगा इस पेज की तरफ। देखिए यहाँ पर हमें बताया जाए यू आर रिक्वायर्ड टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर प्लीज़ क्लिक हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें डायरेक्ट किया जाएगा अपने फार्म की तरह, इस फार्म को एडिट करने के यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। देखिए एक्चुअल जो रीज़न है, देखो वजह क्या है कि हमारा फार्म क्यों गलत हुआ, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है वो उठानी है कहाँ से, डेट 10th के डॉक्यूमेंट से हमने उठाई थी, आधार कार्ड से। तो क्योंकि वहाँ पर आधार कार्ड की से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है 10th का, क्योंकि 10th की डॉक्यूमेंट जो होती है वो ओरिजिनल है, उसी से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है। वैलिड मीन्स कि वैलिड 10th की डॉक्यूमेंट, आपने भी जब एंटर करना है फॉर्म 10th की डॉक्यूमेंट को देखकर ज़्यादा इसमें मतलब कि आपने एंटर करनी है डिटेल्स। तो इसको हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ को ठीक किया, डेट ऑफ बर्थ की ही प्रॉब्लम आई थी हमें, तो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर जब एंटर किया तो पूरा एक फॉर्म को इसको हम दोबारा चेक करेंगे, नीचे वेरीफिकेशन कोड हम इसको एंटर करेंगे,
देखिए, वेरिफिकेशन कोड जो है इसको एंटर करके हम सबमिट करेंगे। हमने ये वीडियो बहुत रिक्वेस्ट पर बनाई है, कैंडिडेट्स के रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इस फार्म के रिलेटेड। देखिए, अटैच एनेक्सर्स, इन सब डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ हम एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट भी जो भरे हैं क्या वो सही हैं। राशन कार्ड जो है बोथ साइड का भरना है हमने इसको, इसी तरह हम बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं। तो सेव इसको करेंगे, सेव करने के बाद हम एक बार दोबारा से फॉर्म को चेक कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करके यहाँ पर हमने देखो, हमने सबमिट किया और फॉर्म हमारे पास रिसिप्ट जो है जनरेट होकर आ गई, डाउनलोड भी हो गई हमारे पास, हम कस्टमर को ये चीज़ दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरा प्रोसेस का। होप करते हैं आपको आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, हमारे नेक्स्ट वीडियो तक हमारे इंतज़ार करें। तब तक कर लें, टेक केयर, गुड बाय।